हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। क्या आपको कम सुनाई देता है या आपको सुनने की दिक्कत है और आप कान की मशीन लगवाना चाहते हैं? और जब आप कान की मशीन लगवाने किसी हियरिंग एड सेंटर पर जाते हैं या किसी हॉस्पिटल पर जाते हैं, तो वहां पर ऑडियोलॉजिस्ट आपसे एनालॉग यानी नॉन डिजिटल हियरिंग एड और डिजिटल हियरिंग एड में चूज करने के लिए कहता है कि आप कौन सी हियरिंग एड लगवाएंगे। ऐसे में लोगों को पता नहीं रहता है और वो गलत हियरिंग एड चूज कर लेते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनालॉग यानी नॉन डिजिटल हियरिंग एड और डिजिटल हियरिंग एड में क्या डिफरेंस है, जिससे कि आप हियरिंग एड लेने से पहले आसानी से समझ सकें कि आपको कौन सी हियरिंग एड लगवानी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन डिजिटल हियरिंग एड के बारे में। तो जो नॉन डिजिटल हियरिंग एड होती है, इसमें एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और साथ ही इसमें आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आवाज़ को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। यदि आप ज़्यादा शोर वाले एरिया में चले गए तो आवाज़ को कम करना पड़ता है, और यदि आप बंद कमरे में हैं या कम शोर वाले एरिया में हैं तो आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही जो एनालॉग हियरिंग एड होते हैं, ये ज़्यादातर कान के पीछे पहने जाते हैं, यानी ज़्यादातर एनालॉग हियरिंग एड BTE मॉडल, BTE स्टाइल बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड आते हैं। कुछ हियरिंग एड होते हैं जो कि कान के अंदर भी लगते हैं लेकिन वो बाहर से दिखाई देते हैं। जो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो फिजिकल मेजरमेंट को दर्शाते हैं, जिससे कि आपकी जो वॉइस आ रही है वो इजली इफेक्टेड हो जाती है, और कभी कभी इन हियरिंग एड में आवाज़ में सरसराहट या कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से एनालॉग हियरिंग एड यानी नॉन डिजिटल हियरिंग एड की एक्यूरेसी में भी संदेह होता है। जो पहले था कि एनालॉग हियरिंग एड बहुत सस्ते आते थे और डिजिटल हियरिंग एड बहुत ज़्यादा महंगे आते थे, लेकिन अब डिजिटल हियरिंग एड भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। अब समझते हैं डिजिटल हियरिंग एड के बारे में। तो जो डिजिटल हियरिंग एड का प्रोसेसर होता है वो एक छोटे कंप्यूटर की तरह होता है। जब आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट से अपना हियरिंग टेस्ट करवाते हैं और जो आपका हियरिंग लॉस आता है, वो हियरिंग लॉस आपकी डिजिटल हियरिंग एड में प्रोग्राम कर दिया जाता है। इसमें डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रिप्ट टाइप सिग्नल्स होते हैं, जिनकी उत्पत्ति डिजिटल मॉड्यूलेशन से होती है, जो कि एक बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी फॉर्म मतलब 10 10 10, जो कि एक कंप्यूटर की भाषा होती है। डिजिटल सिग्नल्स एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, जिससे इनका रिजल्ट भी एक्यूरेट आता है। साथ ही ये हियरिंग एड आपके इजली नॉइस से इफेक्टेड नहीं होते हैं और इन्हें हम कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये हियरिंग एड एनालॉग हियरिंग एड की अपेक्षा कम पावर इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल हियरिंग एड में आवाज़ को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हियरिंग एड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आवाज़ को कम या ज़्यादा अपने आप कर लेते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल हियरिंग एड कुछ ऐसे स्टाइल में भी आते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ आपको दिखाई देने वाले भी डिजिटल हियरिंग एड मिल जाते हैं, जो कि आप अपने कवरेज के अकॉर्डिंग या जिसको जितनी ज़रूरत है या जो हियरिंग एड जितना लॉस कवर कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को चूज कर सकते हैं। साथ ही अच्छी क्वालिटी के डिजिटल हियरिंग एड में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या ईयर टू ईयर स्ट्रीमिंग, रिमोट कंट्रोल जैसी कई सारी सुविधाएँ भी आजकल आने लगी हैं। अब अगर एनालॉग और डिजिटल हियरिंग एड में बेहतर की बात करें, तो डिजिटल हियरिंग एड एनालॉग हियरिंग एड की अपेक्षा हर तरह से बेहतर होते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी हियरिंग एड बेहतर होगी और आप उस हियरिंग एड को लगवा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा सुनाई दे और आपको बेहतर सुनाई दे। थैंक यू, टेक केयर।